रतन टाटा, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं और हाल ही में इन्होंने एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है गुड फेलोज नाम से, जिसमें रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। तो गुड फेलोज क्या है, किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है? तो गुड फेलोज खासकर बनाया गया है उन बुज़ुर्गों के लिए जो काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, खासकर वो बुज़ुर्ग जिनके पार्टनर उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, या फिर ऐसे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो गुड फेलोज उनके लिए काम करेगा, उनकी सहायता करेगा। किस तरह सहायता करेगा? बस वही, उनके साथ वक्त बिताकर, वो जो चाहें वो काम करके, जैसे उनके साथ खेलकर, बात करके, न्यूज़पेपर पढ़कर, या फिर ग्रॉसरी शॉपिंग करके, या फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके, हर वो काम जिसे वो करवाना चाहें। तो गुड फेलोज ये सब काम करेंगे बुज़ुर्गों के लिए, एक तरह से बस उनको एंटरटेन करना है, उनका ध्यान रखना है ताकि उनका मन लगा रहे, वो अकेलापन महसूस ना करें। तो क्या इसके चार्जेस होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन पहला महीना फ्री होगा, फिर बाकी महीने मेंबरशिप चार्ज लगेगा, आई थिंक 5,000। लेकिन ये उतना ही लगाया जाएगा जितनी उनकी पेंशन होगी, यानी कि पेंशन के अकॉर्डिंग ही चार्ज लगेगा। तो गुड फेलोज कौन होंगे? वही पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो अपना वक्त देना चाहते हैं बुज़ुर्गों को, और हफ्ते में 3 दिन ये उनके साथ वक्त बिताएंगे, दिन के 4 घंटे। इस तरह रतन टाटा ने, जो देश के बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए काम करना शुरू किया है। और ये आइडिया किसे आया है? ये आइडिया आया है नायडू को, जो रतन टाटा के साथ बैठे हैं ना, उन्हीं को। तो कौन है ये? रतन टाटा और नायडू की दोस्ती इतनी पक्की कैसे हुई? वो सब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लगा गुड फेलोज का आइडिया, बताइएगा ज़रूर।